आज हम मूवी एक्सप्लेन कर रही है स्पाइडरमैन नो वे होम। इस वक्त हम देखते हैं कि हर कोई स्पाइडरमैन की शख्सियत के बारे में जान चुका था, क्योंकि सब लोग ये समझ रहे थे जो भी आदमी मर गए हैं इन सब का जिम्मेदार स्पाइडरमैन है। काफी दिन गुजर जाते हैं और इस वक्त पुलिस भी इसके घर आ गई थी। हर कोई पीटर को गुनाहगार की नजर से देख रहा था। ना ही किसी कॉलेज में उसका एडमिशन हो रहा था और ना ही उसको जॉब मिल रही थी, और वो हर तरफ से परेशान था। और इन सब का सामना उसके बेस्ट फ्रेंड को भी करना पड़ता है, और उन लोगों को भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। और अब यही रीजन था। पीटर इन सब के बारे में सोचता हुआ पहुंच जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और इन्हें बताता है कि सर, मेरी वजह से मेरे दोस्तों को भी प्रॉब्लम हो रही है। मेरी आइडेंटिटी के बारे में सबको पता चल गया है कि मैं ही स्पाइडरमैन हूं, और मेरी फैमिली भी बहुत मुश्किल में है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, यानी कि मुझे स्पाइडरमैन समझते हैं, वो सभी लोगों की याददाश्त मिट जाए। और अब साथ ही यहां पर दूसरा आदमी आता है और बताता है कि वो असल में इस जगह का सुप्रीम है, ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि 5 साल दूसरे यूनिवर्स में गुजारने की वजह से उस जगह का हिसाब किताब आदमी के पास था। अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने की भी कोशिश करता है और कहता है तुम इसकी हेल्प मत करना, लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज जानते थे कि स्पाइडरमैन ने पूरी दुनिया को बचाने में उनका साथ दिया था। और इस सीजन की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर वो उसे नीचे तहखाने में लेकर जाते हैं जहां पर वो सारे जादू किया करते थे। यहां पर सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज सारी दुनिया से स्पाइडरमैन की यादों को भुलाने के लिए एक मंत्र पढ़ते हैं। तभी यहां पर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकता है और कहता है कि अगर आप सारी दुनिया से मेरी याददाश्त मिटा देंगे तो इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैं नहीं चाहता वो लोग मुझे भूल जाएं, और उन लोगों में मेरे फ्रेंड और एमजे, जिसके बारे में मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बारे में भूल जाए। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का सारा ध्यान अपने जादू पर था। तभी बीच में से वो एमजे का नाम रिमूव कर देते हैं, और तभी फौरन पीटर जादू के दरमियान में डॉक्टर स्ट्रेंज को रोक देता है और कहता है कि मेरी आंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी छोड़ दें। और अब जब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की आंट को भी इस जादू से हटा देता है, तभी पीटर को किसी और की याद आ जाती है। और अब इतने ज्यादा कंफ्यूजन के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो सारा जादू गलत हो जाता है, और अब उस जादू के फॉर्म में एक टुकड़ा बन जाता है जो कि स्पाइडरमैन को मारना चाहता था और पीटर के पास आ गया था, लेकिन इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। वो तो बस अपना और अपने फ्रेंड्स का कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहता था, इसीलिए अब वो सबसे पहले कॉलेज के हेड के पास जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो सिटी से बाहर जा रही है। लेकिन वो उनकी कार तक पहुँच जाता है और चलती ट्रैफिक में उनकी कार को रोकता है और मदद मांगता है और कहता है कि प्लीज आप मेरी वजह से मेरे दोस्तों का नुकसान मत करें। और उनकी अभी ये बातें चली रही थी तो वहाँ पर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस आ जाते हैं, जिनके पास 4 नोक के लिए हाथ थे, और फिर वो अचानक से स्पाइडरमैन पर हमला कर देते हैं। और इसके बाद स्पाइडरमैन और उनके दरमियान बहुत ही फाइट होती है, लेकिन स्पाइडरमैन को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये डॉक्टर उस पर हमला क्यों कर रहा है। और फिर जब स्पाइडरमैन अपनी सेफ्टी के लिए टेक्नोलॉजी वाला सूट पहनता है, तभी उस डॉक्टर के हाथ पर स्पाइडरमैन के सूट के कुछ पार्टिकल्स लग जाते हैं। और अब इतनी मुसीबत काफी नहीं थी कि वहाँ पर आ जाता है ग्रीन गॉब्लिन। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और अपने मैजिक से ऑटो ऑक्टेवियस को केज में बंद कर देते हैं, और अब स्पाइडरमैन भी उनके सामने आ चुका होता है। वो उसे पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं और क्यों आए हैं, और अब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को बताते हैं कि जो मैजिक तुमने मुझसे करवाया था उसमें तुमने मुझे पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया था, और वो मैजिक सब उल्टा हो गया, और वो दुश्मन जो पीटर को जानते थे कि यही स्पाइडरमैन है, और अब वो सब इस यूनिवर्स में आ चुके हैं। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज उसको समझाते हैं कि तुम्हें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पता है, यानी कि यहाँ बात हो रही थी दूसरे डायमेंशन की। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछते हैं कि वहाँ पर तुमने और किन लोगों को देखा, और बताता है कि वहाँ पर एक और आदमी था जिसने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बताते हैं कि वो तो काफी साल पहले मर चुका था, तो वो अब यहाँ पर कैसे आ गया। और अब वो स्पाइडरमैन को एक अपना गैजेट देते हैं जिस पर उन्होंने जादू किया हुआ था, और स्पाइडरमैन को कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी विलन्स हैं उन सबको तुम्हें यहाँ पर लाना होगा, और इसके बाद मैं उन सबको उनकी दुनिया में वापस भेज दूंगा। लेकिन इन सब में पीटर को हेल्प की जरूरत थी। अब वो नेट और एमजे को अपने साथ लेकर आता है जिससे वो दोनों उसकी मदद कर सकें। और अब ये तीनों उसी जगह पर बैठकर, जो कि एक तहखाना था यहाँ पर जिसको मैजिक प्लेस भी कहते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, यानी कि सभी मल्टीवर्स से आने वाले विलन्स को ढूंढना। लेकिन अब जो लोग स्पाइडरमैन को बुरा मान रहे थे, उन लोगों ने स्पाइडरमैन के कपड़ों पर एक ग्रीन कलर का लिक्विड डाल दिया था जिससे स्पाइडरमैन के कपड़े बहुत ही गंदे लग रहे थे, और अब वो सूट को उल्टा कर पहनता है और अपने काम पर निकल जाता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं स्पाइडरमैन का न्यू सूट, ब्लैक कलर का, जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल था। और अब वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पहले उनके दुश्मन हुआ करते थे, और अब स्पाइडरमैन का फ्रेंड नेड उसको बताता है कि यहां पर कुछ देर पहले काफी हलचल हो रही थी। और अब तभी यहां पर आ जाता है इलेक्ट्रो, जो कि आते ही सार स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है, और अब यहां पर उसकी मदद करने के लिए आ जाता है सैंडमैन। और वो सैंडमैन अब पीटर से पूछता है कि तुम इससे क्यों लड़ रहे हो और यहां पर मैं कैसे आया। और अब पीटर उसको बताता है कि ये काफी लंबी बात है, लेकिन सबसे पहले हमें इलेक्ट्रो को संभालना होगा। और अब सबसे पहले सैंडमैन
इलेक्ट्रो को संभालता है और उसको कैद करके स्पाइडरमैन के साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल जेल में कैद कर देता है। और अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी होते हैं जो कि लिजर्ड को भी कैद कर ले आते हैं। और अब यहाँ पर ग्रीन गोब्लिन अपनी दो शख्सियत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था और जो उसकी विलन वाली शख्सियत थी वो उसे अपने आप से दूर करने के लिए उस मास्क को तोड़ देता है। और अब वो सीधा पहुँच जाते हैं पीटर पार्कर के घर पर उसकी आंट के पास, और तभी वहाँ पर पीटर भी आ जाता है और उनको बताता है कि हम सब मिलकर आपको आपके यूनिवर्स में दोबारा भेज देंगे। और फिर वो उन्हें लेकर पहुँच जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज की वही मैजिक वाली जगह पर। और अब यहाँ पर सारे विलन्स आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो ऑटो ऑक्टेवियस उनसे सवाल करता है कि तुम्हें मरे हुए तो काफी साल हो गए थे लेकिन तुम जिंदा कैसे बचे। तभी वो कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना था। और अब बातों ही बातों में इन सब विलन्स को पता चलता है जब ये लोग मरने वाले थे तो फौरन वहाँ से गायब होकर इस यूनिवर्स में आ गए थे, यानी कि ये सब लोग जब दोबारा अपने यूनिवर्स में जाएंगे तो इनकी जाने जा सकती हैं। और अब ये विलन्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये अपने यूनिवर्स में जाएं और इनकी डेथ हो जाए। पीटर पार्कर की आंट ने भी उसको यही समझाया था कि बड़ी ताकतें बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आती हैं। और अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज का मंत्र पढ़कर उन लोगों को उनके यूनिवर्स में वापस नहीं भेजता। और अब यही रीजन था कि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के दरमियान फाइट हो जाती है। मगर यहाँ पर स्पाइडरमैन भी कम नहीं था। अब उसको समझ आता है कि ये सारा एक ज्योमेट्रिकल मैथ है और अगर मैं इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करूँ तो मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा सकता हूँ। और अब यही रीजन होता है वो डॉक्टर स्ट्रेंज से उनका बॉक्स लेकर वहाँ से निकल जाता है और उन्हें वहीं पर उनकी दुनिया में ही छोड़ देता है। अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू का मैजिकल बॉक्स स्पाइडरमैन से लेना चाहते थे। और अब वापिस आने के बाद स्पाइडरमैन को पता चलता है कि हैप्पी के पास एक ऐसी मशीन है जिससे हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी गैजेट बना सकते हैं। और अब वो सभी विलन्स को लेकर पहुंचता है हैप्पी के घर पर और अब वहां पर कुछ नए नए गैजेट्स बनाकर उनको ठीक करने की कोशिश करता है। अब नंबर वन पर आते हैं ऑटो ऑक्टेवियस जिनके सर के पीछे एक चिप होती है। स्पाइडरमैन उसको रिपेयर करता है जिसकी मदद से वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर सके। और अब उनके बाद स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को ठीक करता है, उसके ऊपर एक डिवाइस लगाता है ताकि वो डिवाइस वो सारी इलेक्ट्रो पावर को अपने अंदर जज़ब कर ले और इलेक्ट्रो दोबारा से एक इंसान में तब्दील हो जाए। तभी वहाँ पर ग्रीन मास्क वाले विलेन की दूसरी शख्सियत सब कुछ खत्म कर देती है। वो अचानक से सबके साथ फाइट करने लगता है और अब इस फाइट में सभी विलेन्स उसके साथ मिल जाते हैं और कहते हैं कि हमारी पावर सबसे ज्यादा है, हमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए अब वो सब मिल जाते हैं और स्पाइडरमैन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर सभी के दरमियान बहुत ज्यादा फाइट होती है जिसमें सब विलेन्स शामिल थे। और अब इनमें से एक विलेन वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है जिसमें पीटर की आंट भी मर जाती है। और अब यहाँ पर सारी सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, सभी विलन्स भाग गए थे और अब यहाँ पर स्पाइडरमैन भी अकेला था। तभी उसके फ्रेंड सोचते हैं कि अगर वो अकेला है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी स्पाइडरमैन के फ्रेंड के हाथ डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल रिंग्स लग जाती हैं। और अब जिस हाथ से जादू करना था उस हाथ से तो नहीं बल्कि दूसरे हाथ से जादू करने लगता है। और इसी बीच वहाँ से एक पोर्टल ओपन हो जाता है और तभी वहाँ पर आते हैं इस कहानी के सेकंड स्पाइडरमैन। तभी एमजे उसको बोलती है कि ये हमारा स्पाइडरमैन नहीं है, तुमने गलत स्पाइडरमैन को बुला लिया है। और तभी अगेन जब वो अपनी रिंग को घुमाता है तो वहाँ पर पीटर यानी स्पाइडरमैन आ जाता है। और अब यहाँ पर दोनों स्पाइडरमैन आपस में बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए। अब तभी इन्हें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अब तभी इन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स के ऊपर सभी विलन्स एक साथ आ गए हैं। और अब इन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स पर तीसरा स्पाइडरमैन भी है जिस पर सभी विलन्स ने हमला कर दिया है, इन्हें वहाँ जाकर उसकी मदद करना होगी। और अब यहीं से ये दोनों तीसरे स्पाइडरमैन के पास पहुँचते हैं और अब तीसरा स्पाइडरमैन उनको बोलता है कि अगर हमें सभी विलन्स को हराना है तो हमें इनकी पावर्स को एक डिवाइस में कंज्यूम करके रखना होगा और फिर हम इन लोगों को दोबारा इनकी यूनिवर्स में भेज देंगे, फिर चाहे ये जिंदा रहें या मर जाएं ये इनका काम है। और अब ये तीनों पहुंच जाते हैं उसी हैप्पी के घर पर जहां पर इनको गैजेट्स बनाने वाली एक मशीन मिलती है और उनसे ये तीनों अपने अपने विलन्स के लिए पावर कंज्यूमेबल डिवाइस बनाते हैं। और अब यहां पर आता है मूवी का वो सीन जहां पर तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने विलन से लड़ने लगते हैं। अपने अपने विलन से बहुत ही जबरदस्त फाइट कर रहे थे और अब सब विलन्स को हराने के बाद लास्ट बारी आती है ग्रीन गोब्लिन की, जो कि अब अपनी नॉर्मल शख्सियत सबको दिखा रहा था। लेकिन अब वो वाला स्पाइडरमैन जिसकी आंट को उसने मारा था वो उसको बहुत मारता है। तभी वहां पर दूसरा स्पाइडरमैन आकर उसको बचा लेता है और कहता है कि इसको हक है जीने का, इसको छोड़ दो। लेकिन अब वो विलन यहाँ पर भी चलाकी दिखाता है और दूसरे स्पाइडरमैन को नाइफ मार देता है जिसने उसको बचाया था। और तभी तीसरा स्पाइडरमैन आता है और वो इस विलन के इंसान बनने वाली शख्सियत पर डॉट लगा देता है। तभी वहाँ पर सभी विलन इंसान बन जाते हैं। और अब जब हर कोई इंसान बन गया था तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। और सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन के फ्रेंड से पूछते हैं कि उसने यहाँ पर उसे कैद क्यों किया और ये बात उसे
पता थी कि मैं 12 घंटों से अपनी दुनिया में लटका हुआ था। फिर स्पाइडरमैन का फ्रेंड नेड उसको बोलता है कि स्पाइडरमैन सब कुछ ठीक कर रहा है, अभी आप प्लीज वहाँ पर मत जाइएगा, और जब वो सब ठीक कर लेगा तो आपकी बारी आने पर आप सबको इरेज कर सकते हैं। और अब यहाँ पर तीनों ही अपने कामों में कामयाब हो जाते हैं कि सभी विलन्स को इंसान में तब्दील कर देते हैं, और अब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से सब कुछ खत्म कर देते हैं और हर विलन को अपने अपने यूनिवर्स में वापस भेज देते हैं। और अब स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से आकर कहता है, यानी कि पीटर, अगर आप चाहें तो सभी के दिमाग से मेरी यादों को मिटा सकते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज उसको कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हारे करीबी लोगों में भी तुम्हारी यादें मिट जाएंगी, कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा। और यहाँ पर पीटर यानी स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि अगर ये सब करने से सारी दुनिया बच जाती है तो आपको ऐसा करना होगा। और अब इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मैजिक करके सभी के दिमाग से उन यादों को मिटा देते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। और मूवी के एंड पर हम देखते हैं कि पीटर के फ्रेंड्स एमजे और नेट, जो कि पीटर को जानते थे, अब वो लोग भी उसको नहीं जानते, उनके दिमाग से भी उसकी यादें मिट गई हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब उन दोनों को कॉलेज में एडमिशन मिल चुका था। और वहीं पर पीटर अपनी आंट की ग्रेव पर जाता है तो वहीं पर पीटर को हैप्पी हॉगन मिलता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पीटर उनको बताता है कि इसका रीजन स्पाइडरमैन था, और वो कहते हैं कि हाँ, इसका रीजन स्पाइडरमैन था। इस कहानी का पहला पोस्ट क्रेडिट सीन हम इस आदमी से रिलेटेड देखते हैं जो कि एक बार में बैठा टेंडर से बात कर रहा था, तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक होता है और वो यहाँ से गायब हो जाता है। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।